और ये गोगड़ीपुर नहर के समीप की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनकी उम्र करीब 15 साल 18 साल के आसपास होगी। खौफ इन्हें किसी भी बात का नहीं है, कोई बड़ा हादसा ज़रूर हो सकता है। किस प्रकार से लगातार जो डूबने की खबरें हैं वो कहीं ना कहीं आती हुई ज़रूर दिखाई देती हैं, लेकिन आप ये साफ तस्वीरों में देख सकते हैं, पानी का बहाव बेहद ज़्यादा तेज़ है, लेकिन साहब इनको डर नहीं है। और वहीं दूसरी ओर प्रशासन आखिरकार क्या सोया हुआ है, प्रशासन यहाँ पर क्यों नहीं पहुँचता, क्यों कार्रवाई नहीं होती, ये सबसे बड़ी विडंबना है। इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि लगातार, जी हाँ लगातार डूबने की जो खबरें हैं वो कहीं ना कहीं आती हुई दिखाई देती हैं। और अभिभावक देख लीजिए, अभिभावक कितने बेपरवाह हैं जो अपने बच्चों को नहर की तरफ भेज देते हैं, उनको इस चीज़ का भी खौफ नहीं होता कि उनका बच्चा डूब भी सकता है, क्योंकि पानी का बहाव बेहद ज़्यादा तेज़ है। पर कोई नहीं आता, प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आता। कई बार थाने में कंप्लेंट कर ली, फ़ोन भी करते हैं, कोई चक्कर मार के चले जाओ, बस सकता ही नहीं करते। जसविंदर नामक युवक की ही कुछ दिन पहले मौत हुई थी, पता नहीं है नहर में क्यों कूदता है। तो प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? देखो प्रशासन की तो कोई गलती नहीं है, बाहर से बच्चे आवे हैं, प्रशासन की तो कोई गलती नहीं है इसमें। अच्छा। ये शरारती बच्चे आवे हैं, अपना दारू दूरू पीवे और अपना नहर में कूद जाए। अच्छा, तो पुलिस नहीं आती यहाँ पर? आती है पुलिस, कब तक पहरा देवेगी इन बच्चों का? पुलिस का यही काम थोड़ी है, पुलिस का आना चाहिए। पुलिस को नहीं आना तो चाहिए, फिर कब तक बैठेगी पुलिस? ये तो इनका रूटीन है। हाँ जी, हमें तो ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से खौफ जरूर नहीं रहता, खौफ नहीं रहता, और एक खबरें जरूर आती हैं कि बच्चा जो है वो डूब जाता है। और किस प्रकार से ये वो बच्चे हैं, 15-15, 18-18 साल के बच्चे हैं, जो नहाते हुए दिखाई जरूर दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, क्योंकि पानी की गहराई जो है बेहद ज़्यादा रहती है, पानी की गहराई बरसातों में दिनों में देखी जाती है, लेकिन कैमरा ऑन होते ही अब ये बच्चे जा चुके हैं। अगर प्रशासन यहाँ पर आए, प्रशासन यहाँ पर कहीं ना कहीं पहरा दे कि कितने बच्चे जो हैं यहाँ पर नहाने के लिए आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक परिवार के लाल की जान जरूर बचाई जा सकती है। तो इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्रशासन के आगे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करना चाहेंगे कि वो यहाँ पर पहुँचे, यहाँ पर देखें कि किस प्रकार से ये छोटे छोटे बच्चे, जिनकी उम्र करीब 15 साल 16 साल 17 साल की इनकी उम्र है, तैरना आता है नहीं आता ईश्वर ही जानता है, साथ लगती नहर में कुछ दिन पहले ही एक खबर आई थी कि किस प्रकार से दोस्तों के साथ शर्त लगाई जाती है, नहर को क्रॉस करने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन युवक डूब जाता है, तो विडंबना रहती है। प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर पहुँचें, यहाँ पर देखें कि हालात क्या हुए हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो हैं यहाँ पर नहाते हुए देखे जाते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। इस वीडियो को देखें भी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि इस बात को प्रशासन तक जरूर पहुँचाया जाए। अपडेट आपको देते रहेंगे, आप इसी तरीके से बने रहिएगा करनाली 24।